नाम लिया गया वो आपके लिए हराम है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, इसका तस्करा बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 15 में, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 21 में, ईट नॉट द मीट ऑफ दैट विच डाइथ ऑफ इटसेल्फ। आप मरे हुए जानवर का गोश्त मत खाओ। कम से कम 5 जगहों में लिखा है बाइबल में कि खून हराम है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 4, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 14, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 16, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 33, और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 29 में लिखा है कि खून हराम है आपके लिए। खिंजीर सोअर का गोश्त भी हराम है बाइबल में। लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 और 8 में, द स्वाइन इट इज क्लोवन फुटेड एंड डिवाइड द हूफ, इट्स अनक्लीन फॉर यू, ईट नॉट इट्स फ्लैश नॉट टच इट्स कार्केस, इट्स अनक्लीन फॉर यू। सुअर आपके लिए हराम है, नजीस चीज है, ना उसका गोश्त खाओ ना उसको हाथ लगाओ। यह पैगाम दोहराया गया है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, द स्वाइन दो इट डिवाइड द हूफ इट्स अनक्लीन फॉर यू, थाउ शैल नॉट ईट इट्स फ्लैश नॉट टच इट्स कार्केस। सुअर एक नजीस चीज है, आप ना उसका गोश्त खाओ ना उसको हाथ लगाओ। सुअर का गोश्त खिंजीर खाना हराम में, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2-5 में भी लिखा है। कम से कम 3 जगह लिखा है कि खिंजीर खाना सुअर का गोश्त खाना हराम है बाइबल में। बाइबल में वो खाना जो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है वो खाना हराम है, इसका जिक्र है बुक ऑफ रेवल्यूशन में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 14 और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 29 में कि गैर अल्लाह का खाना हराम है आपके लिए। जो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है वो आपके लिए हराम है। अगर आप अल्लाह के मुताबिक चलते हैं, अल्लाह का फरमान मानते हैं, तो आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर ईसाई आप उस शख्स को कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, जो ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया उस बात पर अमल करता है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम मुस्लिम ईसाई से बेहतर ईसाई है, क्योंकि हम शराब नहीं पीते, हम सुअर का गोश्त नहीं खाते, और जो कुछ मैं बाइबल में जिक्र कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान से मिलता है, ये कुरान फुरकान है, हम उसको मानते। अगर ईसाई उसे कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो मुझे ये कहना है आपसे कि हम मुसलमान ईसाई से बेहतर ईसाई है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माउन में सूरह नंबर 107 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप अपने पड़ोसी की खिदमत करो, जैसा बाइबल में आता है लव दाय नेबर। जब आप कोई तिजारत करते तो ईमानदारी से करो। कुरान में लिखा है सूरह हुमजा में सूरह नंबर 104 आयत नंबर 1 में, वैलुल लिकुल्लि हुमजतिल लुमजा, लानत है वो लोगों पे जो गिबत करते हैं। तो गिबत करना हराम है। अगर आप गिबत नहीं करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में कि आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अपने वालदेन की खिदमत करो, अपने माता पिता की खिदमत करो, और अगर दोनों में से एक या दोनों ज़ईफ हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो उनको उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ इज्जत से पेश आओ और अच्छे तरीके से बात करो और खुदा से दुआ करो, ऐ रब उनकी खिदमत कर जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला पोसा। अगर हम हमारी वालदेन की इज्जत करते, खिदमत करते, तो अल्लाह की इबादत कर रहे। निकाह इस्लाम में फर्ज है,
अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, ए नौजवानों, जो कोई हैसियत रखता है शादी करने की, शादी करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो कोई शादी नहीं करता वो मुझ में से नहीं है। शादी करना फर्ज है, अगर हम शादी करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे। अल्लाह फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में, आप अपनी बीवियों से अच्छे तरीके से पेश आओ, अगर आप उनको नहीं चाहते फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। अगर हम हमारे बीवियों से प्यार करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32 में, जिना के नजदीक मत आओ, क्योंकि जिना एक ऐसा गुनाह है जो बाकी गुनाहों के रास्ते खोलता है। अगर हम जिना से परहेज करते हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर हम अल्लाह का कहना मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कुरान में हिजाब का तस्किरा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो ईमान वालों से अपनी निगाह नीचे करें और अपनी आबरू को महफूज रखें। बाइबल में जिक्र आता है इसका, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 27 और 28 में, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स, थाउ शैल नॉट कमिट एडल्ट्री, बट आई से अनटू यू, Whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. सुनो, आपको पहले कहा गया है कि आप जिना मत करो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप कोई खातून को, अगर कोई लड़की को, औरत को बुरी नजर से देखते हैं तो आप अपने दिल में जिना करते हैं। अगली आयत कुरान मजीद की सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते, कह दो ईमान वालियों से, मोमिन औरतों से, अपनी निगाह नीचे करें और अपना सिर ढाक ले कपड़े से और अपनी आबरू की हिफाजत करें। कुरान और हदीस में 6 नुक्ते हैं हिजाब के। पहला है सतर, एक्सटेंड, मर्द के लिए नाफ से घुटने तक ये कवर होना चाहिए, ये छुपा होना चाहिए। औरतों के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ वो दिखा सकते हैं, ये एक्सटेंट है नंबर 1। बाकी 5 चीजें मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नंबर, ऐसे कपड़े न पहने जो पतले हैं, जिसके थ्रू आप देख सकें, इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट। नंबर 3, इतने चुस्त कपड़े न पहने जिससे जिस्म का ढांचा दिख जाए। नंबर 4, ऐसे भड़कीले कपड़े ना पहने जो दूसरे जिन्स को मुतासर करे, डोंट वे ग्लैमरस क्लोथ सो दैट इट अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। 5वां नंबर, दूसरे मजहब की निशानी वाले कपड़े ना पहने। और 6ठा नंबर, ऐसे कपड़े ना पहने तो दूसरे जिन्स के है, आदमी औरत के कपड़े ना पहने और औरत मर्द के कपड़े ना पहने। और ये सारी बातें हिजाब की, बाइबल में भी इसका जिक्र है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ डिट्रोनमी में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 5 में, मेन शैल नॉट वेयर क्लोथ्स दैट व्हिच पर्टेन टू अ वुमन एंड अ वुमन शैल नॉट वेयर क्लोथ्स दैट व्हिच पर्टेन टू अ मैन, ऑल दोज हु डू दैट आर एन अबोमिनेशन टू देयर लॉर्ड। आदमी औरतें के कपड़े न पहने, औरतें आदमी के कपड़े न पहने, जो कोई ऐसा करता है वो हराम कर रहा है। लिखा है 1 तिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 में, द वुमन शुड बी ड्रेस्ड अप विद सोब्रायटी, with shamefacedness and modesty. They should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array. Aurte aabru ke sath kapde pehne, apni izzat bacha ke pura jism dhaka hona chahiye, aise kapde pehne. Aur wo keemti kapde na pehne, na sona pehne, na braided hair of gold. Aur 1 Corinthian चैप्टर 11 वर्स नंबर 5 और 6 में आता है कि वो औरत जो खुदा की इबादत कर रही है और अपना सिर नहीं ढाकती, उसका सिर मुंडवाना चाहिए। सिर ढाकना
इतना अहम है ईसाइत में। अगर ईसाई उसे कहते हैं, उस शख्स को जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो मुझे यह कहना है कि हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। खतना करना इस्लाम में सुन्नत है, बाइबल में इसका जिक्र है, बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 8 में खुदा ने कहा कि आप खतना करो, बी सर्कमसाइज्ड, एंड अब्राहम सर्कमसाइज्ड आइज़ाक।